एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसका जो यूनिट आता है, वो किस तरीके से उसको निकालना है कि हमारे घर में जो भी लोड लगे हैं वो लोड के वाइज हमारा जो एक दिन में जो यूनिट आते हैं वो कितना यूनिट आता है, जो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमें आज देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो अभी जो जो लोड की बात कर रहा हूँ, जो घर में जो लोड लगे होते हैं वो जैसे कि मेनली जो लोड हैं वो फ्रिज हो सकते हैं, फ़ैन हो सकते हैं, टीवी हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, कपड़े वाले जो आयरन अपन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं वो लोड कहलाते हैं। तो आज यही हम देखने वाले हैं कि जो यूनिट कैसे निकाला जाता है, फिर यूनिट आने के बाद हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि जो भी हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो चार्जेस लगते हैं वो एक यूनिट का चार्ज के हिसाब से हमारा एक मंथ में जो कितने बिजली बिल आने चाहिए अप्रॉक्स, उसका आइडिया हमें लग जाएगा। तो ये जो हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि ये जो यूनिट होता है, यूनिट इक्वल्स टू होता है किलोवाट इनटू आवर्स, मींस कि जो भी हमारा पावर का जो यूनिट होता है तो वो जो यूनिट आते हैं वो वाट में रहते हैं। किलोवाट मींस कि हज़ार में अगर रहेगा तो किलोवाट्स रहता है। अभी ये जो हमारा यूनिट इक्वल्स टू हो गया किलो वॉट इंटू आवर्स, मीन्स की KWh, किलो वॉट आवर्स। तो अभी हम देख लेंगे कि इसका जो एग्जांपल से हम अभी समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसकी एक दिन का जो कंजम्पशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो हमारे पास एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि एक हमारे पास फ्रिज है जो कि ये 500 वॉट्स का है। मेनली फ्रिज जो होते हैं वो 250-2000 के करीब ही होते हैं जो उनका पावर कंजम्पशन होता है वॉट्स में। तो अभी हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो हमारे पास एक फ्रिज है वो 500 वॉट्स का है और चार हमारे घर में मान के चलते हैं कि चार हमारे पास सेलिंग फ़ैन है, जो कि अगर सेलिंग फ़ैन को देखा जाए तो वो अप्रॉक्स 80-90 वॉट्स के अप्रॉक्स होते हैं उनका जो रेटिंग होता है वॉट्स में। तो चार अगर हमारे पास अगर 80 के लेके चलते हैं तो हमारे पास 320 वॉट्स चार सेलिंग फ़ैन का हमारा कंजम्पशन हो जाएगा। और एक एलईडी टीवी जो कि हमारा 30 इंच का मान के चलते हैं तो इसका जो कंजम्पशन होगा वो 50 वॉट्स, ये एक घंटे का, ये हम बता रहा हूँ कि एक घंटे का होगा, 50 वॉट्स इसका आ जाएगा। अभी अगर मान के चलते हैं कि हमारे घर में जो बल्ब लगे हैं वो 5 बल्ब लगे हैं, एक बल्ब जो है वो 10 वाट का है, तो 10 × 5 करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 50 वॉट्स टोटल। तो अभी इस सारे चीज़ें तो हमें पता चल गए कि इसकी रेटिंग कितने होते हैं। अभी हमें देखना है कि एक दिन में जो हमारा पावर कंजम्पशन होता है हमारे घर के लोड के वाइज, कि एक लोड हमारा एक घंटे में कितना यूनिट लेता है वो अभी देख लेंगे। तो एक दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा फ्रिज जो है वो मैंने बताया आपको 500 वॉट का हम लिया है और ये यूज कितने घंटे के लिए हो रहा है, तो एक दिन में मान के चलते हैं हमारा फ्रिज 24 आवर वो चल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 500 वॉट्स इनटू मल्टीप्लाई जो करेंगे ये 40 आवर से, जितना आवर अगर यूज़ होगा उतना आवर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ निकल के हमारा आ जाएगा 12000 वॉट्स आवर। तो इसको हमें किलो वॉट में लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट का ये किलो वॉट आवर्स में ही रहता है, इसलिए हमें जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट में भी आता है वो किलो वॉट आवर में ही रहता है। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे हम 12000 को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 किलो वॉट आवर आ जाएगा इसका। और अभी सेलिंग फ़ैन का हम देख लेते हैं, तो सेलिंग फ़ैन अगर हमारा लिया था चार सेलिंग फ़ैन है जो 80 वॉट्स का था, तो चार हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 320 वॉट्स आ गया। इस ये अगर हमारा 12 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 320 × 12 आवर्स, या आपका जितने घंटे के लिए यूज़ हो रहा है वो आप यहाँ पे आवर्स के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, जितना आपका कंजम्पशन उसका रेटिंग जो दिया हुआ है फ़ैन का आप उतना दे सकते हो, उससे मल्टीप्लाई इजिली करना है। और ये जो निकल के इसका आएगा वो अपना 3.84 किलो वॉट आवर आ जाएगा। एलईडी बल्ब का भी सेम वैसे ही होगा, अगर हमारे पास 50 वॉट्स का एलईडी बल्ब है 5 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है ये, तो इसका जो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 0.25 किलो वॉट आवर। बल्ब का भी देख लेंगे, तो बल्ब का हमने बताया था आपको कि हमारे पास 5 बल्ब है जो कि 10 वॉट्स का एक बल्ब है, तो ये 10 × 5 करेंगे तो हमारा 50 वॉट्स का बल्ब हो गया 5, और ये 20 घंटे के लिए यूज़ हो रहे हैं
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 20 आवर्स, तो ये इक्वल टू होकर आएगा हमारा 1 kWh, मीन्स कि 1000 वॉट। ये एक घंटे के लिए हमारा जो भी है ये सारा चीज़ एक घंटे की यूज़ के अगर ये हमारा हुआ है तो घंटे की वाइज हमने ये इसको कैलकुलेट कर लिया है कितने घंटे के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, वो हमने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पे ले लिया है। ये हो गए टोटल हमारे इन अ डे पावर कंजम्पशन, हमारे जितने भी लोड लगे हैं वो लोड वाइज हो गए, कितने लोड पे कितने घंटे की यूज़ हो रहा है वो हमारा आ गया। अभी हम देख लेंगे कि टोटल इन अ डे एक दिन में हमारे घर में जो सारे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो लोड लगे हैं वो सारे कितने वॉट्स का जो भी हमारा आ रहा है एक दिन में यूनिट्स वो कितने आएगा तो वो अभी हम देख लेंगे। तो ये जो टोटल इन अ डे अगर हो गया तो हमारा 12 kWh हो गया। ये हमारा फ्रीज का था जो कि एक दिन में 20 घंटे चला तो हमारा इतना कंजम्पशन आया। ये हमारा 3.84 kWh आया। ये हमारा आ गया सेलिंग फैन जो चार हैं जो कि अगर कंटिन्यू 12 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है एक दिन में, तो फिर इसको भी प्लस करेंगे 0.25 kW, ये टीवी का हो गया, प्लस 1 kWh हो गया। ये हमारा एलईडी बल्ब का जो यहाँ पे आया है ये हमारा यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब ये सारे चीज़ों को जितने भी लोड लगे थे उनका सारा एक एक का जो कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे ऐड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 17.09 आएगा। हम अप्रॉक्स इसको 17 kWh मान के चलते हैं। अभी हमारा लोड इन अ डे अगर करके देखेंगे कि एक दिन में अभी हम मंथ के हिसाब से देख लेंगे तो मंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि टोटल इन अ मंथ में हमारा जो आ रहा है वो कितना आएगा, तो 17 kWh ये हमारा एक दिन का हो गया। अगर हमारा मंथ 30 दिन का है, अगर 30 डेज का अगर हमारा मंथ है तो 30 डेज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो भी निकल के आएगा ये पूरा मंथ का हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। अगर 31 का रहेगा तो यहाँ पर 31 कर देंगे 30 की जगह पर। हम मान के चलते हैं अभी कि हमारा 30 का ही मंथ है तो इसको 17 मीन्स कि एक दिन का जो यूनिट आया था वो हमारे घर का, और 30 डेज़ के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसका 30 डेज़ का निकालना है एक मंथ के लिए, तो हमारा निकल के पूरा टोटल आ जाएगा जो 510 kWh आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक मंथ का जो यूनिट है वो हमारा निकल के आ गया है। अभी अगर हम रेट के वाइज अगर हम इसका कैलकुलेशन करें कि जो हमारा बिल निकल के आएगा वो कितना आना चाहिए अप्रॉक्स, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेट अगर 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो इसका टोटल अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रॉक्स अगर हम निकाल के देखते हैं तो ये एक मंथ का जो 510 kWh आया था यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा पर यूनिट जो है उसके जो रेट है वो रेट के हिसाब से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 510 kWh इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल्स टू आएगा हमारा कुछ 2550 रुपीज़ पर मंथ का ये जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, बने रहे इसी तरह। थैंक यू सो मच।